नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन में अधिकतर लोग फंस जाते हैं। ये क्वेश्चन में अधिकतर लोग फंस जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, कुछ नहीं, बस इसमें कैलकुलेशन है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, उसी के टाइप का है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। सबसे पहले तो लिखेंगे कि मान लिया कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर बताए थे पिछले बार क्वेश्चन बताए थे, उसमें बताए थे कि यहां पे जो प्रूव करना है उसी को यहां पे बी माना जाता है। तो मुझे 9 प्रूव करना, 9m, 9m+1 यानी बी बराबर क्या हो जाएगा 9। इसीलिए यूक्लिड विभाजन परमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परमेयिका का था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, और बी बराबर मुझे पता कितना 9, ठीक है। यहां पे लिखेंगे स्टेप वन, स्टेप वन में लिखेंगे यदि या जब जब r बराबर 0 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो जब r बराबर 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर b, तो b का मान कितना है 9, और q, q के जगह कितना लेना है मुझे, q के जगह तो q ही लेना है, क्या लेना है q के जगह तो q ही होगा, प्लस r कितना है 0, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 9q, ठीक है, बोल सकते हैं इसको, इसीलिए तो यहां पे a बराबर हो गया 9q, इसीलिए ए क्यू मुझे घन निकालना है, तो घन कितना होता है q होता है, तो मुझे ए क्यू निकालना है, तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9q का q हो जाएगा, 9q का q, तो 9q का q कहने का मतलब क्या हुआ, 9 × 81 का 81 q का q। अरे 9 को 3 बार इंटू करेंगे, 2 बार करते तो 81 हो जाता है, और 1 बार इंटू करते 9, तो 1 बार को हम इंटू नहीं, 1 बार को इंटू को हम कॉमन में ले लेते हैं, ठीक है, थीके? तो यहाँ पे 9 हो गया और 81 क्यू क्यू हो गया, 81 का q का q यहाँ पे है, ठीक है, 81 q का पावर क्यू है, 81 का पावर 3 नहीं है, क्यू का पावर 3 है, ठीक है, इसीलिए ए क्यू बराबर हो गया 9m, जहां m बराबर 81 q q, इतना को m मानेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो जरूर बताइए, इतना ये तो 9 और 9m, तो 9 × m, तो यहां पे बीच में भी इंटू होगा, इतना को n माने तो 9m बचा, AQ बराबर क्या हो गया 9m हो गया, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे स्टेप टू, जब r बराबर 1 तो a बराबर क्या हो जाएगा 9q+1 हो जाएगा, 9q+1, इसीलिए मुझे क्या निकालना है, ए क्यू बराबर तो 9q+1 का q। अब एक फॉर्मूला बताए होंगे या आप लोग पढ़े होंगे, a+b का q, तो अगर इसे हम a मान लेते, इसे b मान लेते, तो ये और ये दोनों क्या है, दोनों सेम है,
सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये दोनों क्या है, सेम है। तो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस एफ प्लस थ्री ए बी प्लस ए प्लस बी, वही होगा। इसको एक एक और फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। तो थ्री ए बी स्क्वायर को इंटू करेंगे तो थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो इतना बराबर हो गया इतना, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, और इसी को यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। आइए प्रूव करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, ए क्यू, ए क्यू यानी कि नाइन क्यू का क्यू प्लस बी क्यू, बी क्यू यानी क्या, वन का क्यू प्लस थ्री और ए, तो ए कितना है, नाइन क्यू और कितना हो जाएगा, थ्री ए, ए ए कितना है, नाइन क्यू प्लस इंटू वन और इंटू ए प्लस बी, नाइन क्यू प्लस वन यानी नाइन क्यू प्लस वन, ये हो गया। यहाँ पे इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लो, नाइन क्यू, एक नाइन क्यू को कॉमन हम ले लेते हैं, ठीक है, और एक बच जाएगा कितना, इक्यासी क्यू का क्यू प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, थ्री नोतिया सत्ताईस क्यू और ये कितना हो जाएगा, इंटू नाइन क्यू प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वन का होल क्यू तो यहाँ पे है ही प्लस वन का होल क्यू, तो वन ही होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ हम लिख सकते हैं नाइन एम और वन का होल क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन ही होगा, तो नाइन एम प्लस वन और इतना बराबर मान लेंगे एम, ठीक है, नाइन एम प्लस वन, जहां एम बराबर इक्यासी क्यू का क्यू प्लस सत्ताईस क्यू और इंटू नाइन क्यू प्लस वन, इतना को क्या मान लिए हम, एम मान लिए, नाइन एम प्लस वन हो गया। अब मुझे क्या लाना है, मुझे लाना है नाइन एम, नाइन एम प्लस वन, तो ये दो तो आ गया, नाइन एम यहाँ पे हो गया और नाइन एम प्लस वन हो गया। अब मुझे एक और करना है, एक का स्टेप और चलेंगे, तो एक का स्टेप मैं इधर कर लेता हूं, जगह नहीं है, क्या लिखेंगे, स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में क्या हो जाएगा, लिखेंगे यदि या जब, जब r बराबर दो, जीरो से स्टार्ट करना, जीरो वन, और जब तक ये नहीं आए तब तक चलते रहना, ठीक है, जब तक जो प्रूव करना नहीं है तब तक चलते रहना। तो यहां पे वन आ गया, जीरो आ गया, अब मुझे टू को करेंगे, नाइन एम प्लस एट लाना मुझे, तो टू को करेंगे, जीरो वन आर बराबर ले लिए, अब टू लिए, जब आर बराबर दो तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू होता है, यानी बी क्यू कितना, नाइन क्यू और प्लस दो होगा, इसीलिए मुझे क्या निकालना है, ए क्यू बराबर तो नाइन क्यू और प्लस दो का होल क्यू होता होगा ना, अभी बताए हैं कि a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ऊपर में अभी बताए हैं क्या होता है, ए क्यू यानी कि नाइन क्यू का क्यू प्लस बी क्यू यानी टू का क्यू प्लस थ्री ए, ए कितना है, नाइन का क्यू प्लस बी और इंटू नाइन क्यू प्लस टू, अरे ये हुआ ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी और प्लस और इंटू ए प्लस बी, हुआ ना। अब यहां पे देखो, यहां से नाइन क्यू क्या कर लेंगे, नाइन क्यू क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे नाइन क्यू का क्यू करेंगे तो इक्यासी का मतलब नाइन क्यू, नाइन को तीन बार इंटू करेंगे तो एक बार हम निकाल लिए, तो अब दो बार करेंगे तो दो बार करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इक्यासी क्यू का क्यू हो जाएगा और प्लस कितना, नौ तीस सत्ताईस दूनी चौवन क्यू और इंटू
नाइन क्यू प्लस टू और प्लस दो का होल क्यू करेंगे कितना हो जाएगा एट होगा। अब यहां पे क्या लिखेंगे नाइन एम प्लस एट और इतना को हम m मान लेते तो यही ना बचा नाइन क्यू और एट हो गया ना हो गया ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे नाइन एम प्लस एट जहां m बराबर ऊपर वाला इतना लिख देना ठीक है। अब इसीलिए नीचे में लास्ट में लिख देंगे क्या लास्ट में लिख देते हैं कि इसीलिए किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है विषम सिर्फ धनात्मक पूर्णांक। अच्छा धनात्मक पूर्णांक किसी भी धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में जरूर बताएं। इसे आप लोग नोट कीजिए। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आ जाएगा सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहता है रहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन की जगह यहां पे वर्ग हो जाएगा। घन के जगह क्या हो जाएगा क्या रहेगा वर्ग रहेगा वर्ग और इतना 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 के रूप का होता है। यहाँ पे भी डिजिट चेंज हो सकता है। कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि ये घन था तो इसमें a प्लस बी का होल क्यू का यूज किए। अगर इसमें वर्ग रहता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज करते हैं ठीक है। और यहाँ पे a बराबर क्या लिखते हैं a का स्क्वायर निकालते। यहाँ पे मुझे क्या निकालना था a का क्यू निकालना था a का घन निकालना था। लेकिन जब वर्ग पूछेगा तो उसमें क्या निकालना रहेगा स्क्वायर निकालना रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है या तो ये पूछे या वो पूछे दोनों एक ही जैसा बनेगा ठीक है। जब जहां तक मेरी सोच है यही क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा वो वर्ग वाला में कम ही टाइम लगेगा और उसमें कैलकुलेशन भी कम है। इसीलिए मैं हार्ड वाला बता दिया तो इजी वाला बन जाएगा अपने आप ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कीजिए।